नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर हिस्ट्री एंड बायोग्राफी और बहुत अच्छी अच्छी कहानी भी आती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम विक्की रॉय की जीवनी के बारे में बात करेंगे। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर इसे ही वीडियो आती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। विक्की रॉय, जन्म 1987, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल, भारत के एक फोटोग्राफर हैं। 11 साल की उम्र में एक अपमानजनक दादा से खुद को बचाने के लिए रॉय घर से नई दिल्ली भाग गया। उन्होंने महीनों तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर डिशवॉशर और कूड़ा बीनने वाले के रूप में काम किया, जब तक कि एक डॉक्टर ने उन्हें सलाम बालक गैर सरकारी संगठन एनजीओ में नहीं भेजा। एनजीओ में रॉय की मुलाकात एक ब्रिटिश फोटोग्राफर से हुई जो उनकी प्रेरणा बने। 18 साल की उम्र में एनजीओ ने उन्हें एक कैमरा भेंट किया और वो अनय मान के साथ एक अप्रेंटिसशिप प्राप्त करने के बाद चले गए। स्ट्रीट ड्रीमर्स 2007 में उनकी पहली एकल फोटोग्राफी प्रदर्शनी थी और नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित की गई थी। 2013 के दिल्ली फोटो फेस्टिवल के दौरान नजर फाउंडेशन ने होम स्ट्रीट होम उनका पहला मोनोग्राफ जारी किया। 2017 में उनका पहला एकल शो वदेहरा आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किया गया था, जिसका शीर्षक था दिस स्कारेड लैंड न्यू माउंटेनस्केप। 2018 में वो ह्यूस्टन फोटो फेस्ट द्विवार्षिक और कोची मुजरिस बीएनएल का हिस्सा थे। 2014 में उन्हें एमआईटी मीडिया फेलोशिप से सम्मानित किया गया। 2016 में उन्होंने फोर्ब्स एशिया 30 अंडर 30 की सूची में जगह बनाई। 2019 में उन्होंने एशिया सोसाइटी टेक्सास सेंटर एएसटीसी में स्क्रैपिंग द स्काई फोटोग्राफ्स बाय विक्की रॉय के साथ डेब्यू किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।